उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ मंदिर के मामलों के निस्तारण को लेकर प्रयास कर रही है, वहीं कुछ व्यक्ति फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन को अपने नाम करवाकर बेचने का कार्य कर रहे हैं। ताजा मामला जनपद मेहदावल तहसील अंतर्गत ग्राम खमरिया का बताया जाता है कि ग्राम सभा में लगभग 20 वर्ष पहले गांव में स्थापित मंदिर की जमीन गुलाबचंद के नाम से आस्था थी, जिनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण लगभग कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत गुरु प्रसाद ने अवैध तरीके से जमीन राम मंदिर की समस्त सामग्री व परिसर पर अपना कब्जा कर हक जताते रहते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि महंत चेला जयराम दास वर्तमान में मंदिर परिषद राम मंदिर की देखरेख तथा समस्त कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कि विगत कुछ वर्षों से वह मंदिर में अपनी सेवा करते चला रहे हैं। ओम प्रकाश दास महंत का आरोप है कि पूर्व से मंदिर को हत्याने की नियत रखने वाले गुरु अब तक मंदिर परिषद के अनेक वृक्षों को काटकर बेचने का कार्य तथा जमीन पर कब्जे का कार्य कर रहे हैं। मेहदावल से मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट। या के जो महंत जी हैं, आइए हम इनकी पूरी जानकारी। देखिए, हम जयराम दास के शिष्य हैं, ओम प्रकाश दास नाम है मेरा, और ये कुटी जयराम दास अचेत अवस्था में पटेल हॉस्पिटल चुरेब में पड़े हुए थे, तो उनके भतीजे गुरु प्रसाद ने जो है वसीयत करवा लिया फर्जी तौर तरीके से। हमें गांव वालों ने सूचित किया कि महाराज जी का निधन हो गया है, अब आवें आप कुटी का देख रेख करें। संजोग बस गुरु के प्रसाद के नाम से वसीयत हो जाने की वजह से वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, कुछ पेड़ उन्होंने बेचा भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी ये हमारे नाम से ना होकर राम जानकी के नाम से पुनः स्थापित की जाए और इसका पुनः निर्माण हो, कोई भी संत आकर इसकी देख रेख और संरक्षण करे, और यही विचार इस यहाँ के लोगों का भी है, यहाँ के ग्रामवासियों का भी है। धन्यवाद।